दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? तो चलिए आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक है, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती, यानी कि जो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी, उनके घर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे एक वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण का शरीर पर कवच और कुंडल भी थे। अविवाहित होने के कारण लोक लाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, जहाँ कुछ ही मिलो दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते हुए देखा और नदी से बाहर ले आए, जहाँ उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा था, जिसे देख दंपति जोड़ा काफी खुश हुए और उन्होंने इसे गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रखा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।